अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो जी मुझे समझ नहीं आया कि ये जो इनके घर में तमाशे चलते रहते हैं, इसमें कौन सा तमाशा सही है, कौन सा ड्रामा है, कौन सा नाटक है। ये तो अपने एकदम समझ के बाहर है। आप लोग खुद सोचो कि इतना सब शाहरुख के और नैना के साथ में हुआ। अब शाहरुख ने एक वीडियो डाला कल और शाहरुख बोल रहा है कि जब से मैंने वीडियो बनाया था तब से नैना और मेरे से बात नहीं कर रही है, और क्या मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है, और वहाँ पे गई है तो उसने मुझे बोल दी है कि तुम यहाँ पे आना मत, बच्चे से भी मत मिलना, मेरे से भी मत मिलना। मतलब कि नैना पिटारा को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे ना दो बातें नज़र आ रही है, एक तो नैना पिटारा को सपोर्ट कर रही है, जो कि जाहिर सी बात है दिख रहा था, इनकी जो वॉइसें लीक हुई थी इससे पता चल रहा था। शाहरुख ने भी चैट लगाया था और बताया था कि नैना की और इसकी बात होती है। तो अगर नैना की और इसकी बात होती थी तो ये केस वाला क्या हुआ था। बात होती थी मीन्स के फिर दोस्ती थी तुम लोगों की, रिश्तेदारी है भाई, जाहिर सी बात है। तो जब दोस्ती थी तो फिर इसने शाहरुख को बुला के धमकियाँ दिलवाना और इस तरह से सब क्यों करवाई। और अगर ये सेल्फिश हो के दोस्ती को साइड में रखते हुए शाहरुख को डराने की कोशिश की है, तो फिर इसके साथ में फिर नैना मिली हुई थी कि शाहरुख मुंह खोल लेगा तो तू शाहरुख को डरा ले, या अभी ड्रामा हो रहा है, ये वीडियो पिटारा ने ही बनाने लगा, ये अब ऑडियंस को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि नैना नाराज़ हो रही है, इसके लिए मैंने वीडियो प्राइवेट कर दिया। हो क्या रहा है, क्या तुम लोग क्या चाहते हो कि मतलब वो जो चल रहा था वाईटी पे केस को लेके, कोई पीछे पड़े है लोग, तुम लोगों के ही सपोर्टर, तो उनसे ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही थी, या ये क्या हो रहा है, मेरे नहीं समझ आ रहा है। नैना को क्यों गुस्सा आया, नैना ने क्यों मना की कि तुम ऐसी वीडियो मत बनाओ। क्या चाहती है नैना कि सच्चाई सामने ना आए, तो फिर तो नैना के साथ में कुछ भी बुरा नहीं किया पिटारा ने, तभी तो वो उसको ढाक रही है ना। अपने हस्बैंड से नाराज़ हो गई, अपने हस्बैंड से दूर रह रही है, किसके लिए, पिटारा के लिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि इनके ख़ानदान में किसी को भी सपोर्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये सब मिले हुए रहते हैं, बाद में मिल जाते हैं। अब देखो पिटारा ने अगर शाहरुख को धमकियां लगवाई है, उसको मारने की कोशिश की गई थी, पैसे वैसे ऐंठे गए हैं इन लोगों से, तो फिर नैना क्यों पिटारा को लिए शाहरुख से नाराज़ हो रही है। बड़ी बात है भाई, ये छोटी बात नहीं है, मतलब कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग मेरी राय सुनोगे ना, तो मैं यही बोलूँगी कि शाहरुख सच बताना चाहता है, लेकिन नैना और पिटारा इसको रोकते हैं और सच बताने नहीं देते। और शाहरुख ने एक बात बताया था जो इसने वीडियो डाला था उसके अंदर, कि मेरा मान नहीं रखे तो मैं मान क्यों रखूं। तो मुझे तो यही पता चला था कि चुबीना है वो, लेकिन अब शाहरुख की बातों से लग रहा है कि वो नैना है, नैना उससे रिश्ता रख रही है। मेरे ख्याल से नैना जाने भी वाली है उसके पास में, इसके लिए शाहरुख को बुरा लगा है। कि जाहिर सी बात है, तू वाइफ होके तू अगर उससे रिश्ता रखना चाहती है और तू शाहरुख को एकदम नज़रअंदाज कर रही है, उसने जो कुछ भी शाहरुख के साथ में की उसके बाद में तू उससे अगर रिश्ता रख रही है, तो शाहरुख का तो फिर बनता था ना। लेकिन यहाँ पे क्या है पता है, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ अगर यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है कि बाद में पता चलेगा कि शाहरुख भी उसके पिटारा के साथ में मिला हुआ है, उसके बोलने पे ही वीडियो बनाया था, क्या पता भाई। लेकिन मुझे नहीं लगता है, लेकिन हो भी सकता है कि आगे ये बात आ जाए। पता है ये शक मुझे क्यों हुआ, क्योंकि शाहरुख ने हंसी खुशी जाके नैना को उधर पे छोड़ के आया था, नैना को खुद अपने साथ में ले जा के छोड़ के आया था, उसके बाद में फिर ये कंटेंट बना देना कि नैना तो उधर जाके बैठ गई है, जबकि नैना बोली थी जब जा रही थी तो कि मैं 2-4 दिन 5 दिन हफ्ता वहीं पे रहूँगी, वो बोली थी, इसकी वीडियो आज भी पड़ी है। फिर बाद में इस चीज़ को जताना कि मैं इधर पे सो रहा हूँ, मैं इधर पे रह रहा हूँ, नैना कॉल नहीं उठा रही है, मैं वहाँ पर जा नहीं रहा हूँ,
तो वो वहाँ पे रह गई है। तो जाहिर सी बात है, देखो हर चीज़ को कंटेंट कैसे बनाना है ना, इन लोगों को अच्छे से आता है, तो हो सकता है कि वो तो गई है ऐसे ही, तो इस चीज़ को कंटेंट बना दिया गया कि हाँ वो नाराज़ होके उधर पे बैठी हुई है। बट जो भी है, सामने तो आ ही जाता है, क्योंकि शाहरुख के मुंह से भी थोड़ा बहुत तो नज़र आ रहा था कि वो परेशान है, और वो जैसे एक बौखलाए हुए रहते हैं ना, वैसा कुछ है, वो तो नज़र आ ही रहा था। तो हर एक बात इनके मामले में ना, तो दोनों बातें पॉसिबल है भाई, कुछ भी हो सकता है। बाकी शाहरुख इस बात से बहुत हर्ट है कि नैना उसको पागल बोल रही है, ये सारा कुछ बोल रही है, उसके मुंह से ही नज़र आ रहा है कि उसको ये बात बहुत हर्ट की है, उसको बहुत बुरी लगी है, और बोल रहा है वो कि मैं पागल वागल नहीं हूँ, ये मुझे ऐसे बोल रही है। ये मतलब कि उन लोगों को नज़र नहीं आ रहा है कि वो जो गंदी जबान की एक औरत है, जो हमेशा बच्चों पे बात करती है, और उसी को सपोर्ट भी किया जा रहा है पिटारा के सपोर्टर की तरफ से, पिटारा की तरफ से उसको सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो वो वाला गुस्सा भी मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि शाहरुख ने निकाला है पिटारा के ऊपर वीडियो बना के। और दूसरी बात, इसने यही बोला कि जो स्ट्राइक दी गई थी, तो वो स्ट्राइक फिर किसने हटवाया है वो भी मुझे पता है। मतलब कि ये बोलना चाहता है कि पिटारा ने स्ट्राइक हटवाई है, जबकि वो इसके बच्चों को इतना गंदा कुछ बोलती है, नाजायज़ है, पता नहीं किसका है, काला है, ऐसा है, मनहूस है, मतलब कि बच्चों के ऊपर लानत है। मैं तो बोलती हूँ ना कि जो जो बद्दुआएं वो खुद दे रही थी ना दूसरों को, वो उसी की झोली में जाके गिरे, क्योंकि वो खुद करती है बच्चों पे बात, हर किसी के बच्चों पे बात करती है। अब बच्चा काला है, गोरा है, या नाजायज़ है, या जो भी है, वो उनका है ना। तुझे क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है? अब देखो कि हम गैर होके जब हमें इतना बुरा लगता है बच्चों का सुन के, तो फिर वो तो बाप है, तो उसको कितना बुरा लगता होगा। तो यही चीज़ का मुझे लगता है फिर इसने गुस्सा निकाला है। और दूसरी बात, ये भी बोला शाहरुख ने कि मैंने स्ट्राइक दिया था, तो इन लोगों ने कितने स्ट्राइक हटाने लगाया, मतलब कि पिटारा इतनी ज़्यादा सेल्फिश है कि उसके बच्चों को वो इतना कुछ बोलती है, इसको नहीं रोकती है, स्ट्राइक दी गई तो इसने उसका चैनल बचा ली, ये शाहरुख का कहना है। और मुझे यहाँ पे नैना की नहीं समझ आ रही है कि किस किस्म की है ये, अगर बच्चा शाहरुख का है तो नैना का भी तो है ना, नैना को क्यों नहीं बुरा लग रहा? या तो फिर तुम लोग भी केस वगैरह करो, या तो फिर तुम लोग स्ट्राइक दो, वीडियो भी नहीं बनाना है, सच्चाई भी नहीं बोलनी है, स्ट्राइक दे के मुँह भी नहीं बंद करना है, तो करना क्या है फिर? बस ये वीडियो वीडियो खेल के क्या मिलेगा? वीडियो वीडियो से कुछ नहीं होने वाला। और पिटारा तो कितनी सेल्फिश है कि क्या बोलूँ आप लोगों को, जब नैना ने वो गोलियाँ खाने का जो भी की थी, जब इसने आईब्रो मंडवाने का ड्रामा की थी ना, उससे एक दो दिन पहले जब नैना ने गोली खाने का ड्रामा की थी, या जो भी की थी, सच्ची में खाई थी मुझे नहीं पता, तो वो टाइम पे हॉस्पिटल में इतने कुछ 8,000 रुपये मेरे ख्याल से, वो टाइम पे किसी की जेब में पैसा नहीं था कि घर पे पैसा है या बैंक में है, तो इसकी जेब में पैसा था, इसने 8,000 रुपये जो भरी थी ना, तो नैना के हॉस्पिटल से आने से पहले ही ये पीछे लग के ले भी ली थी। सोचो, जो औरत मरते को भी तरस नहीं खाती है, तो वो औरत किसी के बच्चों पर तरस खाएंगी? जिसके खुद के बच्चे पे जब बात होती है, तो वो बोलती है कि YT पे सॉल्व करेंगे, कंटेंट बनेगा, तो वो दूसरों के बच्चों पे क्या ही तरस खाएंगी? तो यहाँ पे फिर शाहरुख को, नैना को खुद को स्टैंड लेना चाहिए, और जो भी बच्चों पे बात करे ना, उनको स्ट्राइक देना चाहिए। लेकिन पिटारा तो गुंडी है भाई, वो ना स्ट्राइक देने देंगी, और ना ही तो इस तरह के गंदे सपोर्टरों को सुधरने देंगी, और ना डिसऑन करेंगी। देख लो, और पीछे पीछे तो बहुत सारी गेम चल रही है भाई, बहुत सारी बातें पता चल रही है। इंशाल्लाह शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में कि ये किस तरह की गुंडी है, और पीछे पीछे सारा खेल पैसे का, अय्याशी का, हवस का, बहुत गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी चल रही है पीछे। और आप लोगों को पता ही है कि कोई भी चीज़ छुपती तो है नहीं, आज नहीं तो कल सामने आ ही जाती है, और पिटारा का ये गंदा खेल भी ना आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आएगा। देखो ना, किसको पता था कि ये सऊदी में गई, जीजा को पटाई, फिर उसको बुलाई, उसके साथ सोई, यहाँ तक कि उसके बीवी को नहीं पता चला कि वो पाकिस्तान जा के आया है, लेकिन अल्लाह की शान कि पता चल ही गया।
तो गंदी गलत और झूठी चीज़ें घटिया चीज़ें कभी भी नहीं छुपती है, वो सामने आती ज़रूर है। तो ये जो अभी गंद हो रहा है ना कैमरे के पीछे, ये भी आप लोगों को बहुत जल्दी पता चलेगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि शाहरुख के जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये मिला हुआ है और पिटारा को सेफ करने के लिए इसने वीडियो बनाया, पहली वाली भी और ये वाली भी, क्योंकि लोग यही बातें कर रहे हैं, और नैना भी मिली हुई है। वो तो नैना की तो बात हमें पहले से पता थी कि उसकी और उसकी बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ों में आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे ना एक बात थोड़ी सी अटपटी लगी, जो शाहरुख ने बोला कि जब से मैं इस्लामाबाद से आया हूँ पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे कभी भी गुस्सा आ जाता है, रात को 2 बजे गुस्सा आ जाता है, फिर जब तलक के मैं कुछ करता नहीं हूँ तब तलक के मेरा गुस्सा नहीं ठंडा होता, और जब गुस्सा ठंडा होता है तो मुझे पता चलता है कि मैंने गलत किया हूँ। मतलब समझ नहीं आई कि ये जताना चाहता था कि इसने वो वीडियो बना के गलत किया था, इसको गुस्सा आया हुआ था। जिस तरह से बातें हो रही है शाहरुख के मुंह से कि उसने इसके बच्चों पे बात की, फिर इतने गुस्से में वीडियो बनाया, फिर नैना नाराज़ हो गई, नैना ने बोली कि हमारे से कोई रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद में शाहरुख का ये बोलना कि पता नहीं मुझे कुछ हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे होश नहीं रहता, और फिर मैं गुस्से में ऐसा कुछ कर जाता हूँ फिर मुझे होश आता है। अरे यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन पता चलेंगी बहुत सारी बातें हैं, बहुत जल्दी पता चलेंगी। ये जो डिसॉन वाला हुआ है ना, ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। बस अभी मुझे कुछ नहीं कहना है, पता चल जाएगा इंशाल्लाह। और जो भी बात है ना उसको लेके भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको जो सही लगे वो करे, अपने को क्या। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।